हेलो, मैं हर्षा गुंडला हर्षवर्धिका की ओर से और एक बार दोस्तों, आजकल सर्दी खांसी की सीजन चल रही है। सीजन यानी क्या होता है? आम की सीजन, फिर फ्रूट की सीजन, अंगूर की सीजन, उसी प्रकार सर्दी खांसी की सीजन। आपको पता है जो एटमॉस्फेयर आजकल है वो किस रिलेटेड? सर्दी खांसी, सर्दी जुकाम खांसी, आजकल मेरे जान की प्यासी, ऐसी कहावत है छोटी सी। जैसे ही मैं कहूं जा जा जा, सर्दी खांसी समझती आ आ आ। तो दोस्तों, आज का मेरा मशवरा आप लोगों के लिए रहेगा सर्दी खांसी के। यदि आपकी पुरानी से पुरानी सर्दी खांसी है तो उसको भी आप मिटा सकते हो। तो मैं आज आपको जो सॉल्यूशन बताऊंगी उसको आप जरूर आपके ऊपर ट्राई करें। मुझे कफ की कंटिन्यूअसली परेशानी रहती थी, जैसे काफी लोगों को रहती है कंटिन्यूअसली सर्दी खांसी वगैरह। तो ऐसी मामूली डिजीज के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए हम डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर दो चार मेडिसिन बाहर के लिख के दे देते हैं। बाद में उस मेडिसिन के साथ आपको एक सिरप दिया जाता है, ऑलवेज विदाउट फेल। वो सिरप बहुत ही कम मात्रा में होता है, जो इतनी ही बॉटल रहती है, सिर्फ हार्डली अब तीन बार दिन में लेते हो। तीन बार तो कम से कम डॉक्टर आपको लेने के लिए कहता ही है। तो तीन ही दिन चलती है, ज्यादा दिन चलती है, और आपको लगता है कि तीन दिन में आपकी सर्दी खांसी खत्म हो जाती है। मेरी तो भाई नहीं होती, और मैं श्योर हूं, गारंटी के साथ कहती हूं, किसी की नहीं खत्म होती। पहले दिन वो हैवी रहती है, दूसरे दिन थोड़ी सी नाक में से लीक होना कम होती है, और तीसरे दिन थोड़ी और कम होती है, लेकिन खत्म हरगिज नहीं होती। तो मैंने मेरे प्रॉब्लम की वजह से रिसर्च शुरू की। और सर्दी के बाद क्या होता है बताऊं? सूखी खांसी, पहले कफ की फिर सूखी। तो ये प्रोसेस कितना लंबा चलता है आपके साथ? एक आध महीने तक खींचा जाता है। तो इस वजह से मैंने ढूंढा, मेरी माँ मुझे देती थी सर्दी खांसी में हल्दी वाला दूध या गरम पानी के कुल्ला करना, थ्रोट इरिटेशन जिससे कम हो सकता है, हल्दी वाले दूध में कुछ अजवाइन डाल देना। हमें बहुत खांसी आती है सर्दी के कारण, थ्रोट इरिटेशन के कारण, तो हम विक्स की गोलियां, अदरक की गोलियां, फिर लवंग, यही ट्राई करते रहते, और इस प्रकार हम उसे बर्दाश्त करते हैं सर्दी खांसी। पर इसको पूरी तरह जल्द से जल्द क्योर कैसे करें?
सबसे पहले आप जानकारी ले लीजिए कि सर्दी खांसी क्यों आपको हुई। कभी सीजन के बदलाव से होती है, कभी ठंडा ज्यादा खा लेने से होती है, कभी आप ठंडी हवा में बहुत सो लेते हो तो उस वजह से। तो सबसे पहला उपाय सर्दी खांसी जिनको बार बार होती है उनके लिए यह है कि वो पैरों में चप्पल स्लीपर पहन के रहे। रात को सोते टाइम कान को ढके, यानी कि एक मलमल का कपड़ा बांध कर रखे। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे परिवार में एक व्यक्ति को सर्दी खांसी बार बार होती रहती थी, बार बार। हमने कहा आपको जितनी बार जाना है डॉक्टर के पास जाइए। गए, ट्राई किए, बेनाड्रिल लिए, सब ले लिए। बेनाड्रिल से उनको मुंह में छाले पड़ गए, डॉक्टर की दवाइयों से साइड इफेक्ट होने लगे, लेकिन सर्दी खांसी क्योर नहीं हुई। सर्दी खांसी से इंसान को बुखार तक बहुत चढ़ जाता है। हमने उनसे कहा आपने तो सब ट्राई कर लिया डॉक्टरों से, अभी एक ट्राई करने का मौका हमें भी दीजिए। उस व्यक्ति को सर्दी खांसी के कारण बार बार कान में पस आ जाता था। उसके कारण उसके कान में होल गिर जाता था। फिर वो कान के ट्रीटमेंट के लिए ईयर स्पेशलिस्ट के पास जाता था। वहां 500-1000 रुपया तो खाली टेस्टिंग के लिए दिए जाते थे। पहले सर्दी खांसी के डॉक्टर, फिर कान के डॉक्टर। बाद में उनको एक ऐसा प्रॉब्लम आया कि वो पस मेरे ख्याल से आंखों के आगे भी आने लगा। इतना ज्यादा बॉडी में पस हो गया, सर्दी खांसी हो गई कि वो लेयर आंखों के सामने आने से उनको डॉक्टर ने कहा शायद आपको कैटरेक्ट हो गया। मैंने कहा पहले आप सर्दी खांसी क्योर कीजिए। जैसे उनकी सर्दी खांसी क्योर हुई, कानों के पस खत्म हो गए पूरी तरह। साथ साथ उनके आंखों के आगे जो लेयर आया था वो भी खत्म हो गया। तो कैटरेक्ट गया, पस गया, बुखार गया और सर्दी खांसी भी गई। आपको यही सोचना है कि सर्दी खांसी जो है वो आपको क्यों हुई। आपके अंदर, बॉडी के अंदर ठंड आपकी शारीरिक कैपेसिटी से ज्यादा चली गई है, जिसके कारण आपको सर्दी खांसी हो गई। तो उसको नॉर्मल करने के लिए बाहरी कुछ गर्म चीजें आप खाए तो वो अंदर की ठंड, आपके बॉडी के अंदर की ठंड काफी नॉर्मल हो जाएगी और सर्दी खांसी बहुत ही पूरी तरह क्योर हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या क्या करोगे? आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, सौंठ का कर सकते हो, हल्दी का कर सकते हो, सुआ, लवंग, ऐसी काफी चीजें है जिसका इस्तेमाल कर सकते हो। लहसुन भी बहुत गर्म चीज है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने एक ऐसी दवाई बनाई कि जो मैंने अभी दोहराई वो सारी चीजें उसमें शामिल हो। लहसुन,
सूट, हल्दी, लवंग, अजवाइन वगैरह, और उन सभी मिक्सचर को हमने शहद में मिलाया ताकि वो खाने लायक हो। और हमेशा आपने देखा होगा कि डॉक्टर आपको 3 बार मेडिसिन लेने की एडवाइस देते हैं। हम पेशेंट को बोलते हैं 3 बार सिर्फ ना लेते हुए अब 6-7 बार एक चने के दाने जितनी या एक इलायची के दाने जितनी खाए, तथा आपको जब जब थ्रोट इरिटेशन होता है तब तब खाए, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी, सिर्फ आपकी सर्दी खांसी पर भी वो काम करेगी। और उस व्यक्ति को जिसको कैटरेक, कान में पस, बुखार सब हुआ था, उनको यही बनाई हुई चीज हमने दी, और मैं तो रोज उसे लेती हूँ और वो पूरी तरह क्योर हो गई। तो दोस्तों, मेरा मशवरा है कि आप भी इसी प्रकार आपकी सर्दी खांसी की मेडिसिन बनाए। यदि आपको समझ में नहीं आता तो हमसे सलाह मशवरा करिए, और आप सलाह मशवरा से उसे खुद बनाए या हमसे खरीदे, ये दवाई आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मेरे पास। मैं खुद इसे बनाती हूँ और लोगों तक पहुंचाती हूँ। तो दोस्तों, हमारा कॉन्टेक्ट कभी भी आप कर सकते हैं, यानी कि हर्षवर्धन।